हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें हैं जो कि क्लियर करनी है मुझे, उन बातों को, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मुझे जो दिल में लगी हैं बातें वो मैं आप लोगों से क्लियर कर लूँगा, और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हुआ है वो भी मुझे क्लियर करना है, और जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं वो अपने ऊपर ना लेकर जाएं। मैंने उनसे कुछ नहीं कह रही हूँ। तो पहली बात तो ये थी कि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हो, आप लोगों को पता नहीं होता है कि हमने उसमें बोला क्या है, और आप लोग उससे पहले कमेंट कर देते हो। कुछ लोग तो ऐसे मन से बना के कमेंट कर रहे हैं, ये क्या बात होती है। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बच्चों के साथ में खेल रही थी, सानावाजी आई हुई थी हमारे घर पे, मैंने आप लोगों को बताया भी था उस वीडियो में। तो मैं बच्चों के साथ में खेल रही थी, मैंने थोड़ा सा हंस लिया उस वीडियो में, तो आप लोग मुझे जज करने लगे कि मुझे खुशी हो रही है आशीर्वादी के अम्मी के जाने के बाद। मैं तो अकेली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आज़ाद हो गई हूँ एकदम से, मुझे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मैं एकदम खुश हूँ बहुत ज़्यादा अंदर से। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे किसी की अम्मी अगर इंतकाल हो जाएगा तो उसके जाने से मुझे खुशी होगी? उनके इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनकी अम्मी उनको छोड़कर गई हैं, तो आप लोग तो कुछ भी बोल देते हो। हमारे रिश्तेदार हैं वो भी, हम जानते हैं उनको पहले से ही, तो उनके उनकी अम्मी के जाने से मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, है ना। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है, मन में आना है वो भी लिख देना है कमेंट करके। मुझे खुशी क्यों होगी, मुझे तो दुख हो रहा है उस बात का कि इतने छोटे छोटे से बच्चों को छोड़कर गई हैं वो, और जो आया है दुनिया में उसको तो जाना है ही, ये सही बात है एकदम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम 24 घंटे रह रहे हैं एक घर में, 24 घंटे में अगर मैंने 10 मिनट की कोई वीडियो बना दी, उसमें मैंने 5-6 सेकंड का कुछ थोड़ा सा हंस दिया है, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, तो रो रो के खेलेंगे क्या? बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, आलिया इनाया नहीं थी तो हम लोग खेलने बैठ गए उनके साथ में, उनका मन था खेलने के लिए, वो बोर हो जाते हैं वैसे भी। मतलब 10 मिनट की वीडियो में अगर मैंने 4-5 सेकंड का या 10 सेकंड का मैंने उसमें हंस लिया है, तो मुझे जज करने लगे हैं कि मुझे खुशी हो रही है उनकी अम्मी के जाने से, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं आज़ाद हो गई हूँ, जो हो गई हूँ वो हो गई हूँ, मैं तो सब हो गई हूँ। तो दूसरी बात ये कि साइना बाजी हमारे घर पे आई, मैंने आप लोगों को बताया था, वो सुबह का टाइम था जिस टाइम पे मैंने बोला था कि यहीं घर पे कोई नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे नहीं हैं, आशेबाबाजी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसी की शाम को साइनावाजी हमारे घर पे आई तो मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, लोग बाग ये बोलने लगे उसको देखकर कि साइनावाजी के आने से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है घर में, उनके आने से मुझे बुरा लग रहा है। तो पहले तो आप वीडियोस को स्किप करके देखते हो, बहुत बड़ी गलती आपकी ये है कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हम लोगों के बीच में कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, आप लोग सुन क्या रहे हो, आप समझ क्या रहे हो, आप लोग पहले पूरी वीडियो को देखा करो उसके बाद कोई कमेंट किया करो, ठीक है ना। साइना बाजी आई, साइना बाजी को हम लोगों ने नाश्ता कराया, पापा जी बेचारे इतने प्यार से लेकर आए उनके लिए नाश्ता कि चलो हमारी बेटी आ रही है, इतने दिनों बाद आ रही है हमारे घर पे, तो उनके लिए उनके सारे चीज़ें जो उनको फेवरेट हैं, जो उनको पसंद हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आए उनके खाने पीने के लिए। तो उन्होंने कुछ गलत कर दिया कि अगर अपनी बेटी के लिए कुछ नाश्ते में ले आए, तो वो कोई मेहमान आता है हमारे घर में, और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि उनको मम्मी की कमी बिल्कुल महसूस ना हो, मतलब कि मम्मी जब साइनावाजी आती थी तो मम्मी उनके लिए मतलब हर वो कोशिश करती थी कि साइनावाजी को ये चीज़ पसंद है वो चीज़ पसंद है, वो सारी चीज़ें मंगाती ही थी पापा जी से वो। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि साइनावाजी जब आएंगी तो उनको बिल्कुल भी मम्मी की कमी महसूस ना हो, तो इसलिए पापा जी उनके लिए ले आए थे, वो अपनी बेटी के लिए लेकर आए थे जो भी कुछ लेकर आए थे। अगर हमने उनका नाश्ता करा दिया तो क्या गलत कर दिया क्या? और एक शख्स तो माशाल्लाह पता नहीं कहाँ से उतरे हैं, कहाँ से कुछ पता ही नहीं है, एक तो वो बोल रहे हैं कि मैं उनको कल मार्केट में दिखी थी, वो वहाँ होटल में खाना खा रही थी, पार्टी कर रही थी, बढ़िया मज़े में बहुत अच्छे से रहे, खुश थी मैं वहाँ पे, उनने मुझे कब देख लिया मार्केट में, मतलब मन से भी कुछ भी बातें बना देनी है, ना सोचना है ना समझना है कि मैं मिली भी थी कि नहीं मिली थी, मैं तो जाने कब से मार्केट नहीं गई हूँ, मैं इतने महीनों से सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँगी, मुझे कुछ सामान खरीदना है अपनी ज़रूरत का, और मेरी जो आईब्रोज भी आप लोग देख रहे हो, आईब्रोज बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, तो मैं कहीं नहीं गई, मैं सिर्फ बगल में ही हमारे घर के बिल्कुल बगल से ही
घर में ही एक भाभी है, उन्होंने पार्लर खोला है, मतलब घर में ही वो बना लेती हैं आईब्रोज वगैरह, तो बस आईब्रो बनवा कर मैं आई थी, मैं मार्केट गई ही नहीं हूँ। तो उस शख्स ने तो ये भी बोल दिया कि मैं मार्केट में घूम रही हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ, होटल में खाना खा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, और बढ़िया मज़े में हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, किसी की भी मम्मी बने, किसी का भी कुछ हो। मुझे दुख होता है, दुख होता है, मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला किसी भी माँ बाप को उनसे, उनके बच्चों से जुदा ना करे। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उसकी मम्मी चली जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पहले पूरी वीडियो देखा करें, बात को समझा करें कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद आप लोग कोई कमेंट किया करें मुझे। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में क्या इतनी बुरी हूँ क्या, मैं रियलिटी अपनी नहीं दिखा पा रही हूँ कि जैसी मैं हूँ वैसा चीज़ नहीं दिखा पा रही हूँ क्या, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि साथ मुझे लोग इतना गलत क्यों समझ रहे हैं बाहर वाले, और जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, उन्होंने तो कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम ऐसी हो। मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं आप लोगों को वैसी ही दिखाऊँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, पता नहीं। तो बस यही जो बातें थी वो मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों से। तो प्लीज़ पहले आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, उसके बाद कोई कमेंट किया करें। तो आप लोग जो जो लाइक करते हैं ना, उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, हम जैसे हैं हम वैसे ही आप लोगों को बताएं, ठीक है। आप लोग ऐसे मन से बना के कोई कमेंट मत किया कीजिए, और सिर्फ उन्हीं पर्सन से मैंने बोला है जिन्होंने ये सारे कमेंट किए, नाम मैंने नहीं लिया है इस वीडियो में उनका, और जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं वो अपने ऊपर ना लेकर जाएं, मैंने उनसे कुछ नहीं कह रही हूँ, जो मुझे बातें थी वो मुझे क्लियर करनी थी वो मैंने आप लोगों से कह दी हैं। तो कभी मन ऐसा करता है कि इन्हें ब्लॉगिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि लोग हमें पहचाने, हमारे अच्छे कामों से हम लोगों को हमें पहचाने, मैं मतलब किसी का दुख नहीं समझ सकती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी पता है माँ बाप को खोने का दुख क्या होता है, और जो मेरे अच्छे व्यूअर्स हैं वो अपने ऊपर ना लेकर जाएं, मैंने उनसे कुछ नहीं कह रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं, आप लोग ब्लॉग देख लीजिए मेरा, अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, हमारी काम वाली आंटी आ चुकी हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर रही हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ थोड़ा सा लेट। और मैं ये सोच रही थी अभी थोड़ा सा टाइम है क्योंकि मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे वो धो लेती हूँ। तो सुबह मैं कपड़े धोने के लिए चली गई थी ऊपर, तो वहाँ से थोड़ा सा लेट हो गई, तो फिर मैंने ये चीज़ें नहीं कर पाई थी, मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। और फिर काम वाली आंटी का आने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी ये सारे काम। तो अभी वो आ गई हैं और तब तक मैं ये सारा सामान जो भी है एक्स्ट्रा में वो हटा देती हूँ, मुझे बेडशीट चेंज करनी थी वो मैंने कर दी है। और जो सोफ़ा कवर है वो भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो वो भी चेंज कर दिया क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया है बिछे हुए। तो बस नाश्ता तो सभी लोगों का हो गया है, सभी लोग के हम 3 लोगों का हो गया है, घर में कोई और है भी नहीं, तो नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो बस मैंने बेडशीट वगैरह जो मुझे चेंज करनी थी तो वो मैंने कर दी हैं। तो कामवाली आंटी जो हमारी हैं वो नीचे झाड़ू पोछा कर रही हैं, तब तक मैं ऊपर आ गई हूँ। और बाजी का जो रूम था, वैसे तो मैं क्लीनिंग करवाती रहती हूँ लेकिन जो बेडशीट है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। हम लोगों को अगर टीवी वगैरह देखना होता है तो हम इस वाले रूम में भी आ जाते हैं, तो टीवी वगैरह हम लोग देखते रहते हैं तो फिर बिस्तर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो वो मैं सही कर रही हूँ। और बेडशीट मैं यहाँ की चेंज नहीं करूँगी क्योंकि एकदम साफ़ है वो। तो बस यहाँ से सारा सामान हटा दिया था और मैं टीवी का रिमोट ढूंढ रही थी क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो इधर से उधर चला जाता है कोई भी चीज़। तो टीवी का रिमोट काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था, मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ है कहाँ है, फिर वो टीवी का रिमोट भी मिल गया मुझे।
और बस वहाँ के रूम की सफाई करके फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो मुझे भी बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि वो गंदी हो गई थी। और गंदी ना भी हो तो भी मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि एक हफ्ते में मैं चेंज करती रहती हूँ बेडशीट को क्योंकि बिछे बिछे फिर वो ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो फिर धुलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उसको धोने के लिए। तो इसीलिए मैं चेंज करती रहती हूँ एक हफ्ते में। और ये जो बेडशीट देख रहे हो आप लोग, ये मैं लेकर आई थी मोरेना से, मुझे पसंद है ये वाली बेडशीट। और हमारे रूम में भी मैचिंग मैचिंग हो रहा है ना पर्पल। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वैसे तो आलिया और इनाया को आप रख सकती थी अपने साथ में, तो एक बात बताओ, वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं उनको कैसे रख सकती हूँ? आज से पहले वो कभी 1 घंटा भी नहीं रहे हैं मेरे साथ में, मतलब बाजी कभी मार्केट चले जाए उनको छोड़ के तो ऐसे नहीं रहे हैं वो कभी, तो इतने दिन तक वो मेरे साथ में कैसे रह सकते हैं? हालांकि 1-2 घंटे की बात होती है तो मैं रख सकती हूँ उनको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आलिया और इन्नू इतने छोटे हैं कि वो अभी रुक भी नहीं सकते हैं, तो स्कूल आप लोग बोल रहे हैं वो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि दोनों तरफ हम लोगों को देखना पड़ता है। और बाजी के साथ में ऐसा हुआ है कि एक तो हमारी यहाँ पे सासू माँ चली गई हैं और दूसरी उनकी मम्मी भी चली गई हैं, तो वहाँ पे भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और यहाँ पे भी बनती है, और फिर साथ ही साथ में बच्चों का स्कूल भी होता है, तो सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। लेकिन वहाँ की जिम्मेदारी अभी उनको वहाँ ज़्यादा देखना है क्योंकि उनके छोटे भाई बहन हैं, और अभी अभी उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ है तो उस वजह से वहाँ पे रहना पड़ेगा उनको। और यहाँ तो मैं देख ही रही हूँ, और रही बात बच्चों की, तो बच्चे नहीं रह सकते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं अभी वो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको रख सकती हूँ, मैं आलियो के स्कूल भी भेज सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अभी वो नहीं रह सकती है अभी मेरे साथ में। तो बस यही चीज़ था वो, मुझे आप लोगों को क्लियर करना था। और बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, सारी सफाई वगैरह मैंने कर दी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, मटर आलू की सब्जी बना रही हूँ, और तोरई रखी हुई थी हाँ, तो तोरई की सब्जी बना रही हूँ। और सब्जी चाहे जितनी कम बनाओ लेकिन फिर भी ज़्यादा बन ही जाती है, हम 3 लोगों के लिए बहुत सारी सब्जी हो जाती है। मैं ये सोच रही थी कि थोड़ी सी ही बनाऊंगी, तो फिर भी दोनों टाइम के लिए तो हो ही जाती है सुबह शाम के लिए, लेकिन फिर भी सब्जी बच जाती है, और जितना भी कम बनाओ वो ज़्यादा हो ही जाती है। तो पापा आलू नहीं खाते हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ तोरई की सब्जी, वो हरी सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं, और मटर आलू वो नहीं खाएंगे। और खाना बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि साफ़ सफाई वगैरह करने लगी थी, और फिर मुझे कपड़े भी मैंने सुबह धोए थे, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे तो वो भी मुझे धोने थे, तो काम में आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, खाना हमारा
खाना भी हमारा लेट हो गया था बनने में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और ये ले आए हैं दूध, तो इन्होंने दूध भी लाकर रख दिया, वो भी मुझे गर्म करना है। तो बस एक साइड मैंने मसाला भुनने के लिए रख दिया हूँ, और यहाँ पे मैं प्याज तोरी की सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस प्याज को फ्राई कर लेना है, ऑयल डालना है, फिर जीरा डालना है। जीरा कड़कने के बाद में प्याज डाल देना है थोड़ी सी। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद में तोरी को काट के डाल देंगे उसमें। कैसे भी शेप में हम काट सकते हैं। और इसमें मैंने प्याज फ्राई होने के बाद में मैंने डाल दी थी तोरी काट के, और उसके बाद में डाल दिया है नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने इसमें। बस उसको भी मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। धीमी धीमी आंच में पकती रहेगी हमारी तोरी की सब्जी। बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये वाली सब्जी, प्याज तोरी की। और साथ ही साथ में हमारी मटर आलू भी बन रहे हैं। तो बस खाना अब ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है। तो अभी मैं सेक रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि पापा जी के खाने का टाइम हो गया है। तो तोरी की सब्जी बनके तैयार हो गई थी, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में कर लिया है। और अभी मैंने यहाँ पे एक साइड में दूध रख दिया गर्म होने के लिए। आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर में किस तरीके से गरम मसाला बना सकते हैं हम। तो बस अगर आप लोगों को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आ गया हो, तो लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।